उत्तर प्रदेश के आगरा में बड़ा हादसा हुआ। कागारोल के सोनिगा गांव के पास वायुसेना का विमान क्रैश हो गया। विमान खाली खेतों में गिरा था। जमीन पर गिरते ही विमान में भयंकर आग लग गई। विमान में पायलट समेत 2 लोग मौजूद थे। इस बार दिवाली और छठ के लिए रिकॉर्ड 7600 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके बावजूद एयरलाइंस कंपनियों ने टिकट की कीमतें 4 से 6 गुना तक बढ़ा दी हैं। इससे आम आदमी को अपने घर तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस की गाड़ियों में भरकर ले जाया गया। कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस साल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अब तक के हाईएस्ट लेवल पर था। शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें दिल्ली में पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध को लागू करने के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताने के लिए कहा गया है। महंगाई का लगेगा झटका। चाय, बिस्कुट और साबुन तेल जैसी चीजों के बढ़ सकते हैं दाम। ऐसे में आम जनता पर क्या होगा असर? दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर इस समय यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। यह स्थिति मुख्य रूप से त्योहारी सीजन के चलते उत्पन्न हुई है, जब लोग अपने घरों को लौटने के लिए बड़े पैमाने पर यात्रा कर रहे हैं। वरुण की अगली फिल्म बेबी जॉन का टीजर रिलीज हो चुका है। जब से इस फिल्म से वरुण का फर्स्ट लुक सामने आया, तभी से इसे लेकर जनता बहुत एक्साइटेड है। टीजर देखने के बाद लोग वरुण के एक्शन अवतार के फैन हो जाएंगे। आईपीएल 2025 सीजन से पहले मेगा ऑक्शन होना है। इसकी संभावित तारीख और उसका वेन्यू सामने आया है। ऐसे में फैंस काफी उत्साहित दिख रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच 8 नवंबर से 4 मैचों की T20 सीरीज शुरू होगी। सीरीज का पहला मैच किंग्समीड डरबन में खेला जाएगा। सनी लियोनी और डैनियल बेबर ने शादी के 13 सालों बाद एक बार फिर कस्में दोहराई हैं। कपल ने मालदीप में दोबारा शादी की। खास बात है कि इंटीमेट सेरेमनी में सनी और डैनियल के 3 बच्चे भी शामिल हुए और इस खास मौके को जमकर सेलिब्रेट किया।